जी कंगडोरी पहुंच गए हैं जी ऊपर डेस्टिनेशन पे और यहाँ देखो हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं गुलमर्ग की ओर चल रहे और सामने का व्यू देखिए बहुत ठंडा है। सामने आप बादल देख रहे हैं, हम बादलों से भी ऊपर आए हुए हैं। अभी गुलमर्ग 2-3 किलोमीटर दूर है और ये है आज का नज़ारा। नीचे एकदम बादलों से घिरे पाइन के ट्रीज, बहुत ही मस्त मौसम है एकदम। गुलमर्ग से पहले आता है टैंगमार्ग। टैंगमार्ग पे आप शूज और कोट ले सकते हो क्योंकि ऊपर बर्फ होती है, तो नॉर्मली इन कपड़ों में हम नहीं जा सकते। तो टैंगमार्ग से आप कपड़े वपड़े लीजिए, ऊपर गुलमर्ग में मजे कीजिए। कंडोला राइड्स हैं। अभी आप देखिए रास्ते का नज़ारा, पूरा बादलों से घिरा हुआ एरिया, सिर्फ पाइन ट्रीज देवदार के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर भी बर्फबारी हुई है, आज भी बर्फ देखने को मिलेगी वहां। ये हैं गुलमर्ग के नज़ारे, घास के मैदान हैं और उन्हीं के बीच में रास्ते बने हुए हैं। इतने सुंदर लगते हैं ये ग्रीनरी देख के, इतना प्यारा सीन आता है। आप भी मज़े लीजिए इनके और नज़ारों से, मस्ती भरे नज़ारों से आपको प्यार हो जाएगा। घास के मैदान हैं। जब नवंबर दिसंबर में स्नोफॉल होती है तो पूरे स्नो से कवर हो जाते हैं और फिर यहाँ स्कीइंग के मुकाबले होते हैं। स्कीइंग कंपटीशन के लिए गुलमर्ग फेमस है। है जी गुलमर्ग, गुलमर्ग और ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, इनको बोलते हैं मिडोज ऑफ गुलमर्ग। मिडोज एक्चुअली बुग्याल होते हैं। बुग्याल जो पहाड़ों पे ग्राउंड्स होते हैं, मींस जो लेवल लैंड होती है, उनको मिडोज या बुग्याल्स बोला जाता है। ये आप देखिए दूर, ये देखो कैसे बादल और देवदार के पेड़ लाइन से, और पूरे ग्रीन ग्राउंड है इधर इधर भी और इधर भी, बीच बीच में ये हट्स बनी है। वो सामने आपको दिखा होगा, ये सोलर पैनल्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये देखिए ये हट्स हैं, उधर पीछे भी हट्स हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मस्त एकदम। ठंड बहुत है लेकिन मस्त है, धूप निकल रही है थोड़ा। मौसम 3 दिन हो गए हमें धूप के दर्शन किए, दिल्ली में ज़बरदस्त धूप और यहाँ धूप के दर्शन किए ही हमें आज 3रा दिन। जब से दिल्ली से निकले हैं यहाँ बादल ही बादल। वो सामने भी देखिए, ये सामने ये भी हट्स बनी हुई हैं। आपकी बुकिंग के बेस पे आपको ऑनलाइन बुकिंग है। आहा, अब निकला है सूरज। लाइन से पेड़ लगे हैं, लाइन से। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर, बिल्कुल सीनिक व्यू बोलते हैं ना, वो है एकदम।
ये जी गंडोला राइड्स हैं, ये देखिए ऊपर तक लेके जाएंगी, एक नीचे उतर रहा है, ऊपर चलते हैं हाई पॉइंट पे और ये वहाँ पहुँचना है हमें, और इधर से रास्ता है। ये सारी हट्स हैं जहाँ हमारा आज का आज हम यहीं रुके हैं। ये सारी हट्स बनी हुई हैं, हट्स हैं या 1 BHK और डबल रूम ऑक्यूपेंसी जैसी भी आपको चाहिए हो। ये देखिए ये हट्स बनी है सारी। अब हम गंडोलास पे चलेंगे और ऊपर स्नो व्यू पॉइंट पे चल के मिलते हैं। ये रास्ता है गंडोलास का, ये सब गंडोलास के लिए जा रहे हैं। आगे जाके गंडोला राइड शुरू होती है, उसके 2 फेज हैं। हम तो फर्स्ट फेज तक ही जा रहे हैं क्योंकि सेकेंड फेज पे बहुत हाइट हो जाती है, इस तरह से भी घूम सकते हो। सेकेंड फेज पे बहुत हाइट हो जाती है, 60 से अबव वहाँ सांस में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, सांस में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। कल तो बहुत अच्छी बर्फ़ दिखी थी सोनमर्ग में, आज देखते हैं गुलमर्ग का क्या नज़ारा होता है। गुलमर्ग में ऊपर वैसे ही बर्फबारी हुई है 2 दिन, कश्मीर में रेनफॉल ऊपर स्नोफॉल। ये व्यू इतना प्यारा लगता है, चारों तरफ देखिए चारों तरफ है और बीच में है ये मिडोज, पूरी वैली मिडोज से भरी हुई है। मज़ा तो बहुत आ रहा है, कई बार लगता है थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, जवानी में आते तो ज़्यादा घूम पाते क्योंकि इस वक्त इतना चला नहीं जाता और ठंड भी बहुत होती है, लेकिन जब आए देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, इसलिए हम घूम रहे हैं। चलिए आ गया, हम टिकट विकेट दिखाते हैं और फिर गंडोला से आपको व्यू दिखाएंगे और हम देखेंगे गंडोला का व्यू कैसे गुलमर्ग का व्यू दिखता है ऊपर गंडोला से। ये देखिए सामने केबल कार कॉर्पोरेशन, यहाँ से हम चलते हैं, ये ऑफिस है इनका, यहीं पे गंडोला जाके रुकते हैं। ये है जी रास्ता गंडोला राइड्स का। इसमें चलते हैं, पीर पंजाल रेंज है और कप शेप्ड वैली है गुलमर्ग की, और इसको वैली ऑफ कश्मीर स्नो एडवेंचर के लिए जाना जाता है। जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो आके स्नो में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं गंडोलास में। ये ऊपर से गंडोलास आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं
और रुकते नहीं हैं, स्लो हो जाते हैं। स्लो में ही आपको बैठना है। एक गंडोला में 6 लोग बैठते हैं। अब हम भी ये देखिए आ गया, हम इसमें बैठते हैं और फिर दिखाते हैं आपको ऊपर से वैली के खूबसूरत नज़ारे। आप भी मज़ा लीजिए हमारे साथ इन गंडोला राइड्स का। ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्नो है, हल्की हल्की। ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल है यहाँ पे, तो आई होप कि ऊपर अच्छी स्नोफॉल होगी क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। ये जो गंडोला हमें ऊपर पहुँचाएंगे वो करीब 3050 मीटर की हाइट पे है, और हाइट बढ़ती जा रही है तो स्नोफॉल अपने आप बढ़ती जा रही है। कल रात ही हुई है, ये 2 दिन से एक्चुअली लगातार स्नोफॉल हुई है। ये देखिए कितनी स्नो है ऊपर। ये थोड़ा और ऊपर आ गए, ज़्यादा हो गई स्नोफॉल। मुझे उम्मीद है ऊपर बहुत स्नो होने वाली है। मज़ेदार सीन ऊपर से, बहुत मज़ेदार। नीचे घर भी कई बार दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, पता नहीं कैसे रहते होंगे भाई। ठंड इतनी, ऊपर बहुत फॉग है, ऊपर मज़ेदार, एकदम मस्त चिल्ड वाला। अभी गंडोला में है तो ठंड नहीं लग रही, लेकिन उतरेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, छतें पूरी बर्फ से ढकी हैं। बड़ी हैरानी हो रही है भाई, कैसे रहते होंगे ये इतनी ठंड में। छोटे छोटे हैं, दूर दूर बने हुए हैं ये घर, और स्नो बढ़ती जा रही है लगातार। धुंध देखो, बाप रे कितनी धुंध है ऊपर। ऊपर से नज़ारा दिखेगा नहीं, लग रहा है जो पहाड़ हैं वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि धुंध होगी तो व्यू बिल्कुल दिखाई नहीं देता। होप कुछ धूप निकले, छट जाए बादल और हम मज़ा ले सकें। सफ़ेद ही सफ़ेद, वाइट वाइट शीट हो गया एकदम। पहुंच गए हैं जी ऊपर डेस्टिनेशन पे। और यहाँ देखो टोटल वाइट, और ये इन्होंने कैबिन बनाए हुए अंदर बैठने के लिए, प्लास्टिक कवर से किया हुआ है। आराम से अंदर बैठो, खाओ पियो। भाई कितनी हाइट है ऊपर का, वो देखो नज़ारा। वर्थ विजिटिंग प्लेस सही कहते हैं, जन्नत है जन्नत, कश्मीर जन्नत है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, मौसम भी मिसाल बेनज़ीर, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मजे लो कश्मीर के। ये हम पहुंचे हैं केबल कार से। चलो जी आगे चल के नज़ारे लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये सेकंड फेज के लिए जा रहे हैं गंडोला, बहुत ऊपर है भाई वो सबसे लास्ट। वहाँ पूरा ग्लेशियर है और आप व्यू देखिए, नजारे यही है भाई इस वर्ग। मजे आते हैं, ऐसा नजारा है। पार्टी जो है वो बिल्कुल
बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा गजब का नज़ारा है। हम जब से आए हैं दिल्ली से, ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं कि सूर्य देव को तरस गए, जो दिल्ली में भरपूर मिलते थे और बचते थे। यार ये सारे में बर्फ ही बर्फ ही बर्फ ही बर्फ, फॉग ही फॉग, और कहते हैं डेली स्नोफॉल हो रहा है रात में। अब आप हिसाब लगा लो, अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हो आप। दिल खुश नजारा कहते हैं ना, ये देखिए छतों पे टोटल बर्फ। दीदी यहाँ पे मांग सकते हैं, कोई कोई वो डाल के सेवन स्प्रिंग वाटर है, इसका पानी यहाँ से बाहर निकलता है। ये पानी निकलता है यहाँ से, ये इसका पानी इधर से निकलता है, यहाँ से निकल रहा है ये पीने के लिए, इधर से निकलता है। अच्छा पीने के लिए जी हाँ, सेवन स्प्रिंग्स है भाई। और ये देखो जी बर्फ का मैदान, ये जड़ी बूटी वाला पानी है बिल्कुल, इसी से अहमद मिलता है, हम लोग टूरिस्ट को खींचते हैं। अच्छा जी हाँ, जड़ी बूटी वाला पानी है, बहुत बढ़िया सीन है चारों तरफ, बर्फ ही बर्फ है। ये है जी गुलमर्ग का बेस्ट, ये है जी मौसम का बदलता मिजाज। देखो जी जब हम आए क्या था, बर्फ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस हमने 15 मिनट भी ज़्यादा 10 मिनट स्लेजिंग की है, और हालत देखो, बस रात को भी स्नोफॉल लगेगी। देखो मौसम ने बहुत बड़ा चेंज एकदम घंटे मिनटों में आ जाता है, यहाँ फिर स्नोफॉल की संभावना है क्योंकि पूरी तरह से बादल ढके गए। मज़ा आ गया, हमने कह रहे किस्मत बहुत अच्छी तुम्हारी, जिधर जा रहे हो उधर स्नो ही स्नो है भाई, किस्मत समय साथ दे तो सब ठीक। ये है जी गुलमर्ग का बेस्ट से बेस्ट नज़ारा, ये है जी कंगडोरी, कंगडोरी है, एल्टीट्यूड है 3050, जहाँ से कंडोला राइड शुरू हुई वो था 2600, और वहाँ से इतना एल्टीट्यूड पे आके ये सिनेरियो है। अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बर्फ देख सकते हैं टोटल। चलिए जी हमारी यहाँ गंडोला राइड ख़त्म होती है, 12 से 15 मिनट की राइड है गुलमर्ग का गंडोला। आज की जर्नी समाप्त करते हैं हम यहाँ, आज स्टे यहीं है गुलमर्ग में, ठंडे ठंडे में आपको हट दिखाएंगे अपनी। ये है जी हमारी हट JKTDC, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट, है ना,
इनसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है 1 BHK। एंटर करते ही ये छोटी सी लॉबी, ये है 1 BHK। ये है जी हॉल कह लीजिए आप, सिटिंग एरिया कह लीजिए, टीवी लगा हुआ है। ये छोटी सी किचन है, गीजर भी लगा है, थोड़े बहुत बर्तन दिए हैं। ये है जी हमारा बेडरूम, ये साथ में है टॉयलेट, सही है। ये इन्होंने हीटिंग पैड दिया हुआ है, चद्दर हीटेड लगा दो 10 मिनट में हीटेड, और कुछ इस तरह का नज़ारा हो गया है। सब ठीक करते हैं अभी। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।